हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके एग्री नॉलेज। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी क्या है? तो द टैक्सोनॉमी वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड टैक्सिस। टैक्सिस मीन्स होता है अरेंजमेंट और नोमस मीन्स होता है लॉ। तो टैक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड टैक्सिस और नोमस मीन्स लॉ से अरेंज हुआ है। टैक्सोनॉमी वर्ड गिवन बाय एपीडी कंडोले। जो एपीडी कंडोले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टैक्सोनॉमी वर्ड दिया। इनकी एक बुक है थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बॉटनिकी, इन 1813 में इन्होंने दिया था। उसके बाद में टैक्सोनॉमी इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। फिर है टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासीफाइंग लिविंग थिंग्स इन टू ग्रुप्स ऑन देयर सिमिलरिटीज। टैक्सोनॉमी जो है एक ऐसी साइंस है जो किसी भी लिविंग थिंग को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज। उनके समानता के आधार पर किसी भी जीव को क्लासिफाई करना ही टैक्सोनॉमी कहलाता है। फिर अगेन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लिनियस। इनका ओरिजिनल जो नेम था कार्न वॉन लिनी नाम था। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी हेनरी सेंटा पाऊ हैं। नेक्स्ट है स्टेप इन टैक्सोनॉमी। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड नोमेनक्लेचर एंड थर्ड इज क्लासिफिकेशन। तो कोई भी जीव की जब खोज की जाती है, फर्स्ट बार आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप्स है आइडेंटिफिकेशन। उस जीव के आइडेंटिफाई किया जाता है कि कैसे उसका स्ट्रक्चर है, उसके बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड है नोमेनक्लेचर, उसका नामांकन करते हैं, देन उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो तीन स्टेप होते हैं टैक्सोनॉमी के। पहला स्टेप है टैक्सोनॉमी, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो अब हम देखते हैं कैरोलस लिनियस के बारे में। तो कैरोलस लिनियस एक महान वैज्ञानिक हैं जो टैक्सोनॉमी में इनका बहुत अहम रोल है। तो जो टू किंगडम उन्होंने दिया, पहला किंगडम था प्लांटिया एंड सेकंड एनिमालिया। क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लिनियस। इनकी एक बुक है फिलोसफिया बोटानिका, जो 1751 में इन्होंने लिखी थी। और जो दूसरी बुक है सिस्टमा नेचरी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन द 10th एडिशन। देखो जो इनकी जो फर्स्ट बुक थी सिस्टमा नेचरी 1735 में इन्होंने लिखी थी, उसके बाद में जो 10th एडिशन है इन्होंने 1758 में लिखी थी। इसी में इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। देन इनकी दो किताबें और हैं बुक इन्होंने राइट किया था, जेनेरा प्लांटेनेरम 1737 में और स्पीसीज प्लांटेरम 1753 में। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे चार ब्रांचेस हैं टैक्सोनॉमी की। फर्स्ट है साइटो टैक्सोनॉमी। देखो साइटो मीन्स होता है सेल्स। तो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स एंड कंपोनेंट्स। तो जो जीवों का अरेंजमेंट उसके सेल्स के बेसिस पे करना ही साइटो टैक्सोनॉमी कहलाता है। देन सेकेंड है कैरियो टैक्सोनॉमी। कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, शेप ऑफ क्रोमोसोम। देन थर्ड वन है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एडसोनियन टैक्सोनॉमी और फेनेटिक्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैटिक एनालिसिस। उसके स्टैटिक एनालिसिस के बेसिस पे उसको क्लासीफाई करना ही न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहलाता है। देन फोर्थ वन है कीमो टैक्सोनॉमी। देखो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल्स, कीमो मीन्स केमिकल्स, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एल्कलाइड्स, पिगमेंट्स, स्टोरेज, फूड क्रिस्टल्स डेट इज प्रेजेंट इन सेल। तो कीमो टैक्सोनॉमी हो गया। यहाँ पे चार ब्रांचेस हैं टैक्सोनॉमी की, साइटो टैक्सोनॉमी, कैरियो का टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी। फिर नेक्स्ट है स्टेजेस इन टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी की चार स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज है अल्फा टैक्सोनॉमी, जिसे एनालिटिकल फेज भी कहते हैं। इस फेज में जो टैक्सोनॉमी को आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और करेक्टराइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, किसी भी बायोलॉजिकल स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका नेमिंग करते हैं और करेक्टराइज उसके स्टडी करते हैं। तो ये अल्फा टैक्सोनॉमी है। सेकंड है बीटा टैक्सोनॉमी। ये सेकंड स्टेज है। इट इन्वॉल्व्स द मॉर्फोलॉजी एंड अरेंजमेंट ऑफ दिस स्पीसीज इनटू अ नेचुरल सिस्टम, लोअर एंड हायर कैटेगरीज। तो इसमें मॉर्फोलॉजी के बेस पे इसका अरेंजमेंट करते हैं, वो बीटा टैक्सोनॉमी कहते हैं, या फिर सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। देन थर्ड है
गामा टैक्सोनॉमी या फिर इसे बायोलॉजिकल फेज भी कहते हैं, टू एनालिसिस ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशंस एंड इवेल्युएटरी स्टडीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर माइक्रोस्कोपिक स्टडीज एंड केमिकल एनालिसिस। तो इसमें जो है किसी भी इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशंस और इवेल्युएटरी स्टडी के बेसिस पे उसका केमिकल एनालिसिस करते हैं। देन हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की। तो सिस्टमैटिक्स ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिस्टेमा। सिस्टेमा मीन्स होता है सिस्टम, आइकस मीन्स बॉडी, ऑफ फैक्ट्स मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। देन है द स्टडी ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग देम इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वही सिस्टमैटिक्स कहलाती है। तो सिस्टमैटिक्स इंक्लूड टैक्सोनॉमी एंड इवेल्युएशन। तो सिस्टमैटिक्स के में टैक्सोनॉमी और इवेल्युएशन को भी इंक्लूड किया गया है। देन है ए कंपरेटिव स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एंड जेनेटिकली कैरेक्टर्स। इसमें कंपरेटिव स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल जेनेटिकली कैरेक्टर्स। तो इसमें फोर सिस्टमैटिक्स के फोर स्टेप्स हैं। जो फर्स्ट स्टेप्स है आइडेंटिफिकेशन, एंड सेकेंड वन है नोमेनक्लेचर, थर्ड वन है टैक्सोनॉमी इट मीन्स और प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, फोर्थ वन इज़ फाइलोजेनी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।